हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। जो 12th क्लास का इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी हुआ था, देख सकते हैं ये दीपक कुमार हैं, जो कि गोह से लगभग 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है दूर, और फाग गाँव है जहाँ से दीपक कुमार 438 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और बिल्कुल बेहतरीन मार्क्स है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है यहाँ पे, जिस तरीके से जहाँ पे रहते हैं, जैसा घर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से घर है, थोड़ा सा दिखाइए। मतलब इस तरीके से रहते हैं यहाँ पे, और इस परिस्थिति में भी इतना सारा मार्क्स प्राप्त किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो है पिताजी हुए और ये दादाजी हैं। मतलब खुशी के मारे इनके दादाजी के आंसू भी आ गए हैं। मतलब ये खुशी के आंसू है, जो इनका जो पोता है जो इतनी अच्छी मार्क्स प्राप्त किया है, इस परिस्थिति में काफ़ी मेहनत करके इन्होंने अंक प्राप्त किया है। गांव के लड़के बहुत सारे कार्यों को करते हुए, घर गृहस्थियों को ध्यान में रखते हुए, और इतना मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं और बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करते हैं। और दीपक जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया था? 438 मार्क्स आया था। आप किस कोचिंग में पढ़ते थे? स्तंभ क्लासेस कोचिंग में पढ़ते थे। स्तंभ क्लासेस कोचिंग में कौन कौन सर पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते मनोज सर जी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते बजीत सर जी, बायोलॉजी पढ़ाते रंजीत सर जी, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं सुजीत सर, गौतम सर जी, हिंदी पढ़ाते हैं कुंदर सर। अब देख सकते हैं सभी शिक्षक का नाम लिए हैं, और स्तंभ क्लासेस जो कि फाग से अभी हमने बतलाया कि तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर है, और इतना दूर से साइकिल चला करके जाना और आना, आप देख सकते हैं कि साल भर में जो मौसम बदलती है और उस परिस्थिति में गर्मी सर्दी बरसात सारी संकटों को झेलते हुए और इतना सारा नंबर प्राप्त किया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हमें यह गर्व है कि इतना सारा विद्यार्थी इतना नंबर प्राप्त किया है। और इनके पिताजी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि इनका बच्चा ही ऐसा किया कि गर्व महसूस होगा भी। और ये जो नंबर लाया है, और अगल बगल के जितने जो मोहल्ला के लोग हैं उन लोगों का भी नाम रोशन किया है, अपने पिताजी का नाम रोशन किए हैं, दादाजी के नाम रोशन किए हैं। और हमें यही शुभकामनाएं रहेगी कि इसी तरह से अपने जीवन में बढ़ते रहे और मेहनत करते रहे, और मेहनत से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो नीचे से लेकर के काफ़ी ऊंचे तक ले जा सकते हैं। अब जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति किया जा सकता है तो शिक्षा से ही किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा को पकड़े रहें। और इनके पिताजी इतनी जागरूकता, इनके दादाजी की इतनी जागरूकता था कि यहाँ से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए भेजें, और विश्वास रखें कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, और इस विश्वास का इन्होंने बिल्कुल एकदम खड़े उतरे हैं और इतना सारा नंबर प्राप्त किए हैं। देखिए, आप बहुत चीज़ बताएं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इनके दादाजी हैं, ये बार बार अपना आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी का आंसू है क्योंकि इनके पोते जो दीपक कुमार यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं इतना अच्छा प्रदर्शन किया है इस ग्रामीण परिस्थितियों को झेलते हुए भी, इसके लिए हम इनके परिवार और दीपक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं शुभकामनाएँ के साथ। स्तंभ क्लासेस टीम गो। इधर से एको दिखा देते हैं, रखो इधर हम तो खाई पापा आइए। अच्छा, हम्म,